हे गाइस, पिछले पर हमने ये जो क्राफ्ट का एनिमेशन किया था एक बार मैं आप लोगों को कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये जो एनिमेशन किया था ये क्रैब आ रहा है नीचे और इस तरफ से आके इसने वो ला के नीचे गिरे दे। सो इसका एनिमेशन कंटिन्यू करते देखो, अंदर में चला गया। यहाँ से जो भी एनिमेशन हो रहा था तो वो थोड़ा, ये जो बाइनोक्यूलर का था वो थोड़ा हम एक्सटेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा रोबोटिक जैसे लग रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने बाइनोक्यूलर का एनिमेशन थोड़ा सा अच्छा कर दिया। और ये जो है फिर थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, 155 तक ये ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा 30 FPS है तो उसके हिसाब से ही हमें काम करना होगा। तो यहाँ पर हमें ऑब्वियसली और एक काम करना है, यहाँ पर हमें 40 कर देते हम, और यहाँ पे हम लोग इसे -40 तो ये हो गया। देखो तो कैसे होगा, देखो, ठीक है, इस तरीके से। और थोड़ा एनिमेशन भी होगा हल्का सा कि वो नीचे गिर रहा है इस तरीके से, ठीक है, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। तो ये भी करना है, देखो, अभी ठीक लग रहा है। तो ये एक हो गया, प्लस इसका एनिमेशन भी करना है हमें थोड़ा आगे बढ़ा के ऐसे इस तरीके से। और ये जो हाथ में आ रहा है ना उसके, तो हाथ में आ रहा है तो ये 180 तक करना होगा। बाद में इसमें सेलेक्ट कर लेते हो, यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें ऑब्वियसली ये भी 40 होगा और ये -40, सो ये हाथ में आ जाएगा। अभी क्रैप का एनिमेशन हो रहा है ना, ये अंदर वाली की फ्रेम हम लोग जो है 150 है, देखो, और यहाँ पे कितनी 173, सॉरी, यहाँ पे हमें सेट करनी होगी। सो यहाँ पे मैं इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ और ये कितनी है 174। सो इसे मैंने सिलेक्ट किया क्रैप को और अंदर वाली 174। ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग कि ये की फ्रेम वापस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते, इसलिए होता है। सो 174 वाला एनिमेशन आगे होगा, ठीक है। बाद में 175 से हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, प्लीज़ डाउनलोड माय पिक्टोसपसक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखी रखी है, प्लीज़ उसे शेयर भी कीजिए और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे भी वो पकड़ेगा तो पकड़ना वाला एनिमेशन भी करना होगा। सो 175 से एनिमेशन करना होगा उसका, देख रहे तो 175। सो अंदर गए हम लोग 175, सो 175 से एनिमेशन करना है हमें। सो राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम और 180 को वो पकड़ लेगा, उसे ओपन करेगा और पकड़ लेगा। सो राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम और ये झट से उसने यहाँ पे पकड़ लिया अंदर, इंसर्ट की फ्रेम और ये भी है, ये एनिमेशन भी हम थोड़ा कम कर देते हैं इस तरीके से कर देते हैं। बाद में, सॉरी, हमें बीच में करना था इसका एनिमेशन, बीच में मतलब 180 को। सो यहाँ पे आते हैं और बीच में आके इसका एनिमेशन इस तरीके से करेंगे, इसे भी इस तरीके से लाएंगे और इसे इस तरफ लाएंगे जैसे कि वो उस तरफ देख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, और एक काम करना होगा, मैं बताता हूँ, पहले मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, थोड़ा एनिमेशन तो करना ही होगा सबका, कुछ नहीं ज़्यादा करना है आप लोगों को, बस इन्हें इस तरीके से, और प्लस ये जो है वापस यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और इसे हम लोग
इस तरीके से करेंगे, जल्दी में ही होगा एनिमेशन जैसे कि उसने पकड़ लिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल कर देते हम, ये भी अंदर वाला एनिमेशन भी कर सकते चाहे तो, लेकिन फिलहाल मैं ऐसे ही रख देता हूँ। सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्लासिकल ट्विन दे देता हूँ, तो कैसे हो रहा है देखो। ठीक है, उसने पकड़ लिया, जो भारत है थोड़ा ये क्रैक का एनिमेशन थोड़ा आगे ही बढ़ रहा है। इसको पहले मैं सेलेक्ट करके देख लेते, ये 174 है, लेकिन यहाँ पे हम अगर सेलेक्ट करके देखेंगे तो ये देखो 150 है, तो 173 एक्चुअली है की फ्रेम। तो बाहर आते हैं अभी देख लेते देखो। ठीक है, सो ये उसने हाथ हाथ के अंदर ले लिया, ऐसे पकड़ लो, सॉरी उसके अंदर नहीं, इसके अंदर जाते हैं हम लोग और भी अंदर चले जाते हैं। हाथ में ले लिया तो इसे भी थोड़ा और मैं क्या कर देता हूँ, 185 से शुरू कर देता हूँ। झट से उसने देख लिया, सो ये समझ लो कि थोड़ा उसने इस तरीके से कर लिया और ये भी ऊपर की तरफ ऐसे, ये भी थोड़ा, इनको भी थोड़ा ऊपर करना होगा। ठीक है, सो 185 को ऐसे कर रहा है वो, सो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। इंसर्ट की फ्रेम यहाँ पे 85 को मैं इंसर्ट की फ्रेम करके इसे हल्का सा यहाँ पे और हल्का सा रोटेट भी कर देता हूँ। जूम इन करके एक बार सेट कर लेना, हाथ के हाथ में होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। और हाँ, ये कैमरा पैन वगैरह होगा तो ये गलतियाँ वगैरह जो है ना वो दिखाई नहीं देंगे, और ये फास्ट में भी हो रहा है इतना। देख रहे हैं, देखो जरा फास्ट ही होगा। हाँ देखो, अभी यहाँ से आगे हमें थोड़ा 187 से इसका एनिमेशन शुरू करना है। सो इंसर्ट की फ्रेम और हम अंदर जाएंगे, देखो यहाँ तक एनिमेशन है, तो इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट की फ्रेम जो किया है हम ये शुरू करेंगे यहाँ से। देखो देख रहे हैं, सो प्रॉब्लम क्या हुई, ये देखिए इस तरीके से हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हुई है। हम ये सॉल्व कर देते हैं, अंदर जाएंगे अभी सिंपली, देखो यहाँ पे हमें एडजस्ट करना है सबको, तो ये नीचे वाला छोड़ दो और बाकी जो सारे हैं उनको आप लोगों को रोटेट करने होंगे हल्के हल्के से। तो यहाँ से मैं हल्का रोटेट कर देता हूँ, इसे भी यहाँ से रोटेट कर देता हूँ, और मूव भी करना होगा इस तरीके से, मैनेज करना होगा इसे भी इस तरीके से रोटेट करना होगा और मूव करके, बाद में ये है और बच्चा जो है देखो वो भी सीधा ही हो जाएगा। इस तरीके से देखो, बाजू वाली बाद में देख लेते, लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखो ये देखो,
दिख रहा है? तो इसे भी हमें सॉल्व करना ही होगा। तो हमें बीच में ना एक इंसर्ट की फ्रेम करनी होगी उनको थोड़ा प्रॉपरली एनिमेशन करने के लिए। सो इसे मैंने राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम कर दी। और यहाँ पे भी मैंने उनको मैनेज कर दिया, ये हो गया। उसके बाद ये एक हो गया, उसके बाद ये एक हो गया। तो एनिमेशन करते समय ये प्रॉब्लम्स आती ही है, फेस आउट करना ही पड़ता है। थोड़ा रोटेशन भी कर लो, हाँ, लेकिन ये मत करना, रोटेशन तो कर लो लेकिन ऊपर की तरफ मूव मत करना, कि मुंह तो अपने आप हो ही रहा है ऊपर से। ये देखो, तो रोटेशन हल्का हल्का कर देना, ठीक है? अभी देखते हैं, हाँ अभी ठीक है। अभी ऊपर वाला जो एनिमेशन है ना, ये सब कुछ सबको लॉक कर देते। इसे ही अनलॉक करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट मल्टीपल फ्रेम्स, वो यहाँ से शुरू कर देंगे हम लोग। यहाँ से शुरू करेंगे और मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया, सॉरी ये की फ्रेम नहीं चाहिए हमें, यहाँ से शुरू करना है हमें। तो ऑल सेलेक्ट किया और इन्हें उठा के यहाँ पे रख के रोटेट कर दिया। अभी देख लेते हैं, ठीक है? सो एक बार मैं बाहर आता हूँ और शो फ्रेम माइनस कर देता हूँ। अभी देख लेते हैं एक बार, एंटर प्रेस करके यहाँ से शुरू करके देख लेते एक बार। ओके डन, तो ये ठीक लग रहा है मुझे। एक बार मैं कंट्रोल एंटर करके देख लेता हूँ, देखो ये इसने कर लिया। अच्छा, तो कैमरा एनिमेशन बचा है वो भी कर लेते, और बाद में जो भी फिक्सेस होंगे वो मैं कर लूँगा खुद से। आप लोगों को फाइनल आउटपुट नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूँगा। फिलहाल हमें क्या करना है, कैमरा एनिमेशन करना है। तो कैमरा एनिमेशन के लिए पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे देखेंगे तो ये सेंटर में जब आएगा ना, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें उसे भी सेंटर में रखना है। सो इंसर्ट की फ्रेम, सो इंसर्ट की फ्रेम यहाँ से, सॉरी यहाँ से शुरू करता हूँ। इंसर्ट की फ्रेम, बाद में इसे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम करेंगे। और कैमरा जो है, क्योंकि ये है, हम उसे सेंटर में लाएंगे और इस तरफ थोड़ा, सॉरी इस तरफ लाना था, ज़्यादा ही हो गया। हाँ ये ठीक है, यहाँ पे मैं क्लासिकल पिन दे देता हूँ, देखो इस तरीके से। तो ये सेंटर में आ गया इंसर्ट की फ्रेम, यहाँ पे क्लासिकल पिन, और ये जो है इसे हम मैनेज करेंगे नीचे ला के एक्चुअली। हाँ सो ये एक हो गया। उसके बाद यहाँ से भी एक इंसर्ट की फ्रेम, और इसे इस तरफ, ज़्यादा ही हो गया। हाँ ये ठीक है, कैरेक्टर को बीच में लाना है, ठीक है, जो कि एनिमेशन दिखा रहा था मैं। उसके बाद सो यहाँ पे मैं इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ, और इससे हम लोग
बीच में लेके आएंगे कैरेक्टर को। मैं क्लिक करके क्लास कार्टून। अच्छा तो ये एनिमेशन यहाँ तक ठीक है। उसके बाद इसके आगे 145 से इंसर्ट की फ्रेम, और 102 से इंसर्ट की फ्रेम। आई क्लिक करके क्लासिकल ट्विन, और ये जो है सॉरी ऊपर था, देखते हैं। देखो एक बार मैं कंट्रोल एंटर करके देख लेता हूँ कि कैसे एनिमेशन आ रहा है। अगर एज इन एज आउट देना होगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है देखो, ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बार वापस से देख लेता हूँ। अभी यहाँ पे गड़बड़ क्या लग रही है कि वो एनिमेशन अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, मेरे पास एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, ऑप्शन मतलब एक दिखा देता हूँ एनिमेशन। इसको ये जो बनाया था ना हमने, इसको हम पूरा ना ब्लैकआउट कर देते लगभग। सो इससे क्या होगा, देखो देखो ये भी यही कलर ले लेता हूँ, लेकिन थोड़ा डार्क। अभी देखते हैं, ओके तो सब बाकियों का भी सबका वैसे ही होगा देखो उसी तरीके से, लेकिन ये बचा रहेगा, ये अलग अलग किया था हमने ना, यहाँ तक ठीक है, इनका अलग किया। तो मैं बकेट टूल से सबको एक एक सेलेक्ट करके ब्लैक कलर दे देता हूँ, यदि कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरा ही ब्लैक हो गया, ब्लैक बकेट टूल ले लिया। एक्चुअली सिलेक्शन नहीं होना चाहिए पूरा का पूरा। नेक्स्ट की फ्रेम, डिसलेक्ट करो, बाद में फिल कर दो। नेक्स्ट की फ्रेम डिसलेक्ट करो, बाद में फिल कर दो। तो ठीक है, एक बार अभी हम लोग कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं कैसे दिख रहा है, क्योंकि वो गलती ब्लैकआउट होने की वजह से निकल जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं, देखो देखो उतना समझ में नहीं आ रहा है पहले जैसे। ठीक है तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब थोड़ा सा अटक रहा है या फिर थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, स्मूथनेस वगैरह नहीं लग रहा है, तो वो मैं करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बता देना। अभी के लिए इतना ही, बाय।